Now students, MCQ number 20 is that the unit of angular acceleration is radian per second square. यानी कि angular acceleration का unit क्या है? Radian per second square. 21 is that the SI unit of intensity level is decibel. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि intensity level का जो SI unit है, its correct answer is the decibel. 23 is that if the axis of rotation of rotating body passes through the body itself, आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक rotating body है उसका axis of rotation उस body से ही गुजर रहा हो then its motion is called spin motion. जैसे कि जमीन अपने ही मदार के गिर्द घूम रही होती है, दो किस्म की movement होती है जमीन की, अर्थ की spin motion और एक revolving rotating motion. तो कहा जा रहा है कि जैसे मोशन ऑफ द टॉप कह सकते हैं आप इसको. नंबर द करेक्ट आंसर इज दैट स्पिन मोशन. नंबर 23 इज दैट इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6 देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज यूज्ड. आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 6 है तो उसकी जो फोकल लेंथ है फाइंड आउट करना है. द फॉर्मूला इज दैट एम इज इक्वलेंट टू द 1 प्लस डी ओवर एफ ई. आपने सब्सटीट्यूट किया m की वैल्यू, सिंप्लीफाई किया. द करेक्ट आंसर इज दैट 5 सेंटीमीटर. द एमसीक्यू नंबर 24 इज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो इज कॉल्ड डैश. आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उनका जो फ्लो है उसमें कमी वाक़ होती है वो क्या कहलाती है? विस्कोसिटी. व्हाट्स दिस? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी. नेक्स्ट एमसीक्यू इज दैट नंबर 25 द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन. अब आपसे कहा ही जा रहे कि अगर आपने स्ट्रेच स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो उसे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं. वो फ्रीक्वेंसी जो कि प्रोड्यूस होती है एक खिंचे हुए तार में, जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है. तो इसके 4 ऑप्शंस हैं. द करेक्ट आंसर इज दैट ऑल ऑफ दीज. क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? The formula is equivalent to the F is equivalent to 1 upon 2L under root of T over mu, where T is the tension in the string, L is the length of the string and mu is the linear density. तो आप देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ये तीनों चीजों पर डिपेंड कर रही है. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे भी डिपेंड कर रही है, टेंशन पे भी. तो द करेक्ट आंसर इज दैट ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट एमसीक्यू इज दैट अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आपसे कहा जा रहा है कि जो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट है कि रोशनी जो है जो ट्रैवल कर रही होती है किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द करेक्ट आंसर इज दैट मैक्सवेल ने खास तौर पे ये कहा था कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Now 27 MCQ is that at a distance equal to the radius of earth above the surface of the earth the value of gravitational acceleration becomes. आप इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक बनानी है कि आपसे पूछा जा रहा है वो बताइए कि वैल्यू ऑफ जी की क्या वैल्यू होगी कि अगर बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस से कितना ऊपर हो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर. तो जरा डायग्राम की तरफ देखिए. जरा अबव द अर्थ सरफेस जो है वो सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन आप अर्थ सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के और ऊपर जा रहे हैं. तो द डिस्टेंस शुड बी 2RE. पहले RE था, एक RE और ऊपर गया. द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू द 2RE. Now the value of G on the surface of the earth is G is equivalent to capital G ME over RE square and G dash is equivalent to G ME over distance ka square. So distance should be changed here to RE. Ab ye 2RE ka jab square karenge to we get the 4RE square. Ab ye G ME RE square to kya ban gaya? Value of G
and we get the g dash is equal to 1/4 of the g. The correct answer is that 1/4. It's a very very important MCQ. Now the next MCQ is that number 28, the product of two numbers 5.642 and 4.71 in the prospective significant number is. आपको कहा जा रहा है कि ये दो नंबर्स आपको गिवन हैं और कहा जा रहा है कि इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट नंबर, फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है. अब देखिए यहाँ पे पहला जो है आपके पास आंसर 5.642, पहला नंबर है 5.642, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4. दूसरा नंबर है 4.71, इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3. तो द लीस्ट क्या है, 3 है. लीस्ट का मतलब सबसे कम. तो आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला आपका आंसर होना चाहिए. तो अब हमारे पास जो पहला नंबर है 26.57382, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इज 7. नंबर 2 में है 5, नंबर 3 में 3 और नंबर 4 में 6. तो द फाइनली आंसर शुड बी 26.6 आवर करेक्ट आंसर. यानी कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास वो कौन सा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी, द करेक्ट आंसर इज दैट आंसर इज 26.6 इज आवर करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू इज दैट This optical instrument is used to study the spectrum of luminous object. आपसे पूछा जा रहा है कि ये चार instruments given हैं और कहा जा रहा है कि ये optical instrument जो है वो luminous object को के spectrum को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Interferometer तो wavelength इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Telescope दूर की चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो क्या बच गया, स्पेक्ट्रोमीटर. तो द करेक्ट आंसर इज दैट स्पेक्ट्रोमीटर इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. द करेक्ट आंसर इज दैट स्पेक्ट्रोमीटर. नेक्स्ट एम सी क्यू इज दैट किताबुल कानूनुल मसूदी. क्या कहा जा रहा है, किताबुल कानूनुल मसूद वॉज रिटन बाय, किसने लिखी है ये, अलबैरूनी. अलबैरूनी इज अ राइटर हु रोट अ बुक किताबुल कानूनुल मसूद. अब आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट इज दैट इफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ. कहा जा रहा है के दो कॉन्वेक्स लेंस है जिनकी फोकल लेंथ कितनी है एफ, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, दोनों को एक साथ रखा जा रहा है, देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, फॉर्मूला इज दैट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और कंडीशन क्या है, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f, दोनों की फोकल लेंथ बराबर है. व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज वी गेट द 1/f प्लस 1/f is equal to 2/f. The correct answer is that f over 2 is our correct answer. Next MCQ is that the ratio of dimension of area to volume is. अब देखिए वैसे बड़ी सिंपल सी ये MCQ है. वो कह रहे हैं कि रेशियो फाइंड आउट करना है किन डायमेंशंस का, एरिया टू वॉल्यूम. तो आपको पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला है मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का फॉर्मूला है मीटर क्यूब, यानी कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर. तो रेशियो फाइंड आउट क्या करना है, एरिया अपॉन वॉल्यूम, पहले एरिया लिखा फिर वॉल्यूम लिखा, जब इसको सिंपलीफाई किया तो हो गया m की पावर -1 मीटर -1. तो डायमेंशन ऑफ मीटर क्या होता है, एल. तो करेक्ट आंसर इज एल -1 इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज दैट अ बॉडी इज मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन. एक बॉडी नीचे की तरफ आ रही है इंक्लाइंड प्लेन पर. इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल इट्स एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन. आपसे कहा जा रहा है कि एक बॉडी नीचे की तरफ आ रही है इंक्लाइंड प्लेन पर और उसकी जब हम फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन शुड बी बिकम्स a इज इक्वल टू g sin थीटा.
The extension depends upon the extension due to gravity as well as the angle of inclination. The correct answer is that angle of inclination and the acceleration due to gravity is our correct answer. Now students, the question is that a package is dropped from a high bridge at the end of 3 seconds of free fall. The speed of package is, आपसे कहा जा रहा है कि एक पैकेट को एक बहुत हाई ब्रिज से गिराया जा रहा है, अपनी हरकत के आखिरी 3 सेकेंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन इज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू VI प्लस GT। आपने फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है, आपका आंसर आ गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा कॉमन MCQ है और आपको ये आना चाहिए। नंबर 37 इज दैट द सन एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द प्लैनेट्स थस कीपिंग देम इन देयर डैश। आपसे कहा जा रहा है कि सूरज जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करता है प्लैनेट्स के ऊपर ताकि वो अपने अपने ऑर्बिट्स में मूव कर सकें, और इस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। द सन एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on their planets, thus keeping them in their orbits. Number 38 is that Bragg's law is 2d sin theta is equivalent to the m lambda. Very simple MCQ. Number 39 is that the number of significant figure, आपको एक significant figure दी जा रही है 3.056 multiplied by 10^4। आंसर क्या होगा, आपने सबसे पहले करना है कि 10^4 का मतलब ये है कि 1 के पास कितने जीरो होने चाहिए, 4 जीरो होने चाहिए। मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया आपके पास दो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी 5, आंसर इज 5। इन नेक्स्ट MCQ इज दैट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज वेरी सिंपल, डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डेल वाई बराबर है लैम्डा एल ओवर डी। ये दोनों के लिए बराबर है, कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए, दोनों के लिए फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला है लैम्डा एल ओवर डी। नाउ द फाइनल लास्ट MCQ इज दैट इफ अ पर्सन एसेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल बी। अब मैं आपको इसको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 28 MCQ में, द फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1/4g। कहने का मतलब ये कि कभी कभी आपकी वर्डिंग्स आगे पीछे हो सकती हैं और आपको एक ही MCQ दो मुख्तलिफ तरीक़ों से भी पूछा जा सकता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम 28 MCQ में बता चुके हैं, तो हो गया। ठीक है बेटा, क्या बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए अपनी, और ये छोटी छोटी चीज़ें इनको याद रखिए, इंशाअल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी।